डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह उनको एक एक करके हैंग किया जाए, तभी उनको समझ आएगा कि कोर्ट से, न्याय से, कानून से खिलवाड़ करना क्या होता है। बच्चियों के जिंदगी से मुजरिम खिलवाड़ करते हैं और कोर्ट से खिलवाड़ उनके वकील करते हैं। आपको लग रहा है कि वकील जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल कानून के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जो चीज चार चार पांच पांच में खारिज हो गई है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से दिन भर इस केस में लग गए और एक केस सुनवाई होती, लेकिन बार बार वो कोर्ट में डाल रहे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जिस तरह से वो एक 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 कर रहे हैं, उसी तरह एक एक करके कोर्ट को फांसी देना चाहिए। तो निर्भया की मां की साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट के समय की बर्बादी। देखिए, हमारे कानून का लूप होल है जिसकी वजह से बार बार एक ही चीज को बार बार रिव्यू कभी कुछ कुछ करके डाले रहे अपना। लेकिन हमारा सिर्फ कहना और सोचना यह है कि जिस केस को लोअर कोर्ट में तीन बार सुना गया, तीन बार हाई कोर्ट में सुना गया, तीन बार सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, उसमें कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिले करने के लिए इन लोगों ने पार्टीशन लगाया है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि कम से कम अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इस पे ब्रेक लगाया जाए। तो आपको लग रहा है कि लगातार डिले टैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग है? हाँ, कानून का कर रहे हैं कि एक के बाद एक आराम आराम से आ रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार कर रहे हैं? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट से अर्जी कर रहे हैं कि आप अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करिए। ये नहीं कि जो चल रहा है इनका अधिकार है, चलते रहे, क्योंकि कोई टाइम बाउंड तो है नहीं, तो करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अधिकार है कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इनको इनके ऊपर ब्रेक लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की याचिका को खारिज किया है, लेकिन अब उसके बाद भी मतलब अब जैसे कि उनके पिता ने भी बड़े निराशाजनक शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करे। आप एज अ लॉयर निर्भया का देख रही है, शुरू से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो विशेषाधिकार का यूज जरूर करेगी और कोर्ट को ये क्लियर एक मैसेज जा चुका है कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं और वन बाय वन उनका जो डिले टैक्टिक है वो फेल होता जा रहा है, क्योंकि अभी जो कमिंग 1 फरवरी 2020 का जो इनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो अभी स्टिल है, कंटिन्यू है, वो अभी उस पर कहीं ना तो स्टे हुआ है ना पोस्टपोन्ड हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस डेट में भी इनको हैंग किया जा सकता है, ये हमने होप नहीं छोड़ी है। बट वो जो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आप अगर देखेंगे 18 दिसंबर से इनका रिव्यू डिसमिस होता है बिना 8 डेज, देन आफ्टर ये क्यूरेटिव में आते हैं, इनका क्यूरेटिव भी डिसमिस होता है, देन आफ्टर ये SLP में उस जुवेनाइलिटी को क्लेम कर रहे हैं जिस पर इनको ट्रायल कोर्ट में सुना जा चुका, हाई कोर्ट में सुना जा चुका, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना। तो इसी ग्राउंड पे कि कोई इनके पास ग्राउंड नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, तो यहाँ से भी इनका जो पिटीशन था वो डिसमिस हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए, कोर्ट जो इंडियन जो लॉ जो इंडियन जुडिशरी है वो डेथ रो पर जो मैटर है उसमें वो एक के शत्रुघ्न चौहान का केस है कि उसमें आखिरी सांस तक सुनते हैं, तो वही हमारा जुडिशरी कन्विक्टेड के प्रति इतना लिबरल है कि वो उनको सुन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं, वो मीडिया प्रेशर अदर प्रेशर में इसमें जजमेंट ऐसा दिया गया ऑर्डर, तो ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से गलत। पटियाला कोर्ट में लगातार लड़ी है, जूझी है 1 साल तक जी, उसके बाद आपने भी कई केस का हवाला दिया जी, उसके बाद ये मामला अचानक से फिर वो हुआ और सुनवाई हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि निर्भया के पिताजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि ये लगातार अपने जो लीगल रेमेडीज है उसका प्रयोग किए ही जा रहे हैं, कोई टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अब इस केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर है, इनहेरेंट पावर है उनके पास स्वयं वोटो, वो इस केस को संज्ञान में ले सकते हैं कि क्यों ना, जब ये इतना डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, सफिशेंट इनको सुना जा चुका है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू इनका सेकंड टाइम इनका डेथ वारंट का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ है, फिर ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इस पावर का यूज सोमेटो कर सकती है। और मुझे लगता है कि शायद वो आगे आने वाले समय में करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि समझना ये पड़ेगा कि जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू उनको सुना जा चुका है, अब वो अपने राइट का जो उनके पास राइट भी नहीं है वो मिसयूज कर रहे हैं, वो लॉ का मिसयूज कर रहे हैं, वो मजाक बना रहे हैं। और जब ये देखिए मैटर हुआ था याकूब रजाक मेमन का,
तीन बजे रात को जब जस्टिस सुन रहे थे उस मैटर में, तो उन्होंने क्लियर बोला था कि आपको अपने राइट का यूज करने का राइट है, आपके पास अगर रेमेडी है तो उसका यूज करने का, लेकिन आप हमारे सिस्टम का मजाक नहीं बना सकते हैं। इसी ग्राउंड पे याकूब रजाक मेनन की जब सेकंड मर्सी रिजेक्ट हुई थी तो 14 डेज का जो टाइम था वो नहीं दिया गया था, तो मैं तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये कोर्ट भी संज्ञान में लेगी इस मैटर को, देन ये जल्दी ही डिसाइड किया जाएगा। थैंक यू।